हेलो एवरीवन, वेलकम टू GATEC चैनल। आज हम लोग यहाँ पर 7 जनवरी 2018 को जो UPSC का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ था उसका कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये था सेट सी का, क्वेश्चन नंबर 25 था। एंड ADC हैज़ टोटल कन्वर्जन टाइम ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड, वाट इज़ द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी डैट इट्स एनालॉग इनपुट शुड बी अलाउड टू कंटेन। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल कन्वर्जन टाइम हमारा दिया हुआ है 200 माइक्रो सेकेंड, और हमें निकालना क्या है, वाट इज़ द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी डैट इट्स एनालॉग इनपुट शुड बी अलाउड टू कंटेन। तो FS मैक्स जो होता है, हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ एनालॉग इनपुट हमारा हो जाएगा, FS मैक्स जो होगा वो होगा इक्वल टू 1/2 इंटू कन्वर्जन टाइम। तो कन्वर्जन टाइम हमारा गिवन है 200 माइक्रो सेकेंड, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 10^-6। 10^-6 क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे माइक्रो में है यूनिट। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 2500 हर्ज, और इसे हम लिख सकते हैं 2.5 किलो हर्ज लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिग्नल MT इज इक्वल टू 10 cos 2π 100t इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, द रिजल्टिंग FM सिग्नल इज XT इज इक्वल टू 20 cos 2π 10^6t प्लस 15 sin 2π 100t, द FM बैंडविथ इज नियरली। तो S ऑफ FMT हमारा होता है AC cos 2π FCT प्लस β sin 2π FMT होता है। अब यहाँ पे XT के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, XT हमारा गिवन है, तो यहाँ पर से जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें बीटा का जो वैल्यू मिल जाएगा वो यहाँ पर कितना है, 15 है, और FM का वैल्यू कितना है, 100 है। तो यहाँ से बीटा और FM अगर मिल गया तो कार्सन रूल से हम FM का बैंडविथ निकाल सकते हैं। तो बैंडविथ हमारा हो जाता है β+1 2FM, बीटा का वैल्यू 15 था, प्लस 1 16 हो गया, और यहाँ पर कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 3200 हर्ज, और इसे हम लिख सकते हैं 3.2 किलो हर्ज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन था 98, क्वेश्चन नंबर 98 सेट सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किरचॉप्स करेंट लॉ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ए है वन है हमारा चार्ज, सेकेंड है हमारा एनर्जी, थर्ड है हमारा पावर, विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए में है 1 ओनली, ऑप्शन बी में है 2 ओनली, ऑप्शन सी में है 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी में है 1, 2 एंड 3। तो किरचॉफ करंट लॉ जो वर्क करता है वो करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऑप्शन हमारा ये जो यहाँ पर 1 है, 1 जो स्टेटमेंट था ये करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 ओनली। ये था क्वेश्चन नंबर 132 सेट सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइनोसोइडल वोल्टेज वेव फॉर्म हैज़ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज एंड RMS वोल्टेज 30 वोल्ट, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द वेव फॉर्म इज। तो इक्वेशन यहाँ से हमें निकालना है, हमें जो वैल्यू गिवन है VRMS गिवन है 30, तो VRMS जब हमारा गिवन है तो VM जो होता है वो हमारा होता है √2 VRMS होता है। तो यहाँ पर से जब हम वैल्यू पुट करेंगे, VM का वैल्यू हमें मिल जाएगा, VM इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाई VRMS गिवन कितने है, 30 गिवन है। तो यहाँ से हमारा आ गया √2 मल्टीप्लाइड बाई 30, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 42.42, और VT हमारा होता है द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द वेव फॉर्म VT, ये हमारा होता है VM sin 2π FT। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, F गिवन है, F का वैल्यू है 50 हर्ज है। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, VM का वैल्यू कितना है, 42.42 sin 2, और पाई का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 3.14, और F का वैल्यू यहाँ पर कितना है गिवन है क्वेश्चन में, 50 गिवन है। तो ये हमारा कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 42.42 sin 314 t आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन था सेट सी का, क्वेश्चन नंबर 135 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंट इन ए कॉयल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 4 हेनरी चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन t सेकेंड, एंड द इंड्यूस्ड EMF इज 40 वोल्ट,
द टाइम टी इज़, टाइम यहाँ कैलकुलेट करना है। एल हमारा कितना गिवन है, 4 गिवन है। वी इज़ इक्वल टू कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी। अब चेंज इन करंट जो है 10 से लेके 2 एम्पीयर तक का है, तो डी आई हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 - 2 हो जाएगा, और ये कितना है, डेल टी हो जाएगा। और एल हमारा गिवन है 4, और वी हमारा कितना गिवन है, 40 गिवन है। तो जब हम वैल्यू सारा पुट करने के बाद डेल टी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो डेल टी आ जाएगा हमारा 0.8 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 136 था सेट सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम करंट इन ए सीरीज आरएलसी नेटवर्क विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन इज़ 1 एम्पियर। वैन द अप्लाइड वोल्टेज इज़ 10 वोल्ट, द इंडक्टेंस हैज़ ए वैल्यू ऑफ 0.1 हेनरी, द क्वालिटी फैक्टर एट मैक्सिमम करेंट इज़ 10, देन द वैल्यू ऑफ सी इज़, सी का वैल्यू निकालना है। वी हमारा क्या होता है, आई आर होता है। अब वी क्वेश्चन में गिवन है 10 गिवन है, आई गिवन है 1 एम्पियर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। और क्यू जो होता है वो होता है हमारा 1/r रूट अंडर एल बाई सी। तो क्यू गिवन है क्वेश्चन में, 10 गिवन है यहाँ पर, आर का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 10 ओम, और एल हमारा गिवन था कितना, 0.1 गिवन है, और इस सी हमें कैलकुलेट करना है। तो जब हम सी कैलकुलेट करेंगे तो सी हमारा आ जाएगा 10 माइक्रो फेराड आ जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 19 सेट सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल थीटा ए बी बिटवीन द वेक्टर ए, वेक्टर ए गिवन है 3ax + 4ay + az एंड बी इज इक्वल टू 2ay - 5az इज नियरली। तो ए डॉट बी हमारा होता है मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा ए बी। तो यहाँ पर से हम मॉड ए जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 3 स्क्वायर। ये कैसे हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर, प्लस यहाँ ए वाई का मैग्नीट्यूड है 4, तो 4 स्क्वायर, प्लस ए जेड का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो 1 स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 26 आ जाएगा। सिमिलरली बी के लिए करेंगे, तो बी यहाँ पे कितना है, ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे अगर ए एक्स है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। ए एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, बी को वेक्टर बी जो था इसे हम लिख सकते हैं 0 × ax + 2ay + -5az लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मॉड ऑफ बी हो जाएगा कितना, 2² + -5² ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू जो हमारा आ जाएगा रूट अंडर 29 आ जाएगा। अभी ए डॉट बी हमारा जो होगा डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का हो जाएगा हमारा, वेक्टर ए हमारा ये था, वेक्टर बी हमारा ये था, तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स यहाँ पर का इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 × यहाँ पर कितना है, 0, 3 × 0। ए वाई का कितना है, यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 4 × 2 हो जाएगा। यहाँ पर ए जेड का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, -5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 × -5। तो ये इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 8 - 5 = 3 आ जाएगा। अब सारा वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो ये कितना हो गया, 3 √√29 × cos θ ab। तो यहाँ से थीटा ए बी हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 3 √√26 × √29। तो इसका वैल्यू हमारा आएगा 83.72 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 96 सेट सी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों को किसी और भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को कमेंट कर दें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा।